वेलकम टू माय चैनल पहाड़ी मौज में आप लोगों का स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ करते हैं आज की दिन की शुरुआत। अभी तो दिन नहीं है, रात हो चुकी है, काफ़ी 11 बज चुकी है। तो मैंने आज ही मेरे को टाइम मिला, तो टाइम मिलकर मैंने अभी ही ब्लॉग शुरू किया बनाना। बस अभी ही जस्ट मेरी छुट्टी हुई, तो रात की 11 बज चुकी है और अभी मेरा छुट्टी हुआ। तो मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ यहाँ पर ऐसा है। लोग घूम रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये भी माहौल ठंडा है इधर का। तो आप देखते हैं यहाँ पर रात का समय है। है ये देखिए, ये मेरे पीछे स्विमिंग पूल, सामने नीचे देख सकते हैं, सामने लाइटें बनी हुई है। डर भी है जब भी, तो मैं ब्लॉग बनाता हूँ। तो पहला ब्लॉग मेरा ये रात का ब्लॉग है। रात का कितना साफ है कैमरा मेरा, गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि कैमरा कितना साफ है। और अभी मैं दोस्त हैं मेरे, वो नहीं आए, तो मैं उनको एक बार फिर से आवाज़ लगाता हूँ। रात का समय है तो रात भी ज़्यादा हो गया, हमें कम से कम आधा किलोमीटर चलना भी है पैदल। तो मैं अपने दोस्तों को आवाज़ लगाता हूँ, तो वो देखते हैं। अरे जल्दी आ रहे, वो अभी तक नहीं आया। और ये गेलो लोग आ गए, सब आ गए, किचन क्लोज हो चुका है। पर अरे बर्तन धो रहे, आ जाओ रे, बर्तन धो रहे, बहुत टाइम हो गया। देखो अभी तक आए ही नहीं हो, बहुत अभी भी खाना खा रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, जल्दी से आइए, हम जा रहे हैं। और रात का सफ़र हो गया, रात बहुत ज़्यादा डर लगती है। तो चाचा भी चले गए, चाचा की भी छुट्टी हो गई, चाचा ने भी आज जल्दी अपना क्लोज कर दिया है, तो वो भी अभी निकल रहे हैं। तो हम भी निकलना चाहते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी, क्योंकि रात 11 बज के बहुत ज़्यादा रास्ते में डर लगती है, क्योंकि आधा किलोमीटर जाना है तो डर तो होती है। ये भी अभी तक नहीं आए, मेरी इतनी डांट खाने पर भी नहीं आ रहे हैं, अभी वहाँ पे खड़े हैं। बोल दिया मैंने आ जाओ, अभी भी नहीं आ रहे हैं वो। तो गाइस रात का वीडियो पहला वीडियो है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज मैंने पहली बार रात को वीडियो बना रहा हूँ पहाड़ी मौज में। तो आप देखो आगे का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। मेरा वजन ज़्यादा है, तो भाई साहब इस भाई साहब का वजन ज़्यादा है, देखिए तो इसको अकेले जाना पड़ेगा, लेकिन ओवरवेट बताता है, ओवरवेट बताता है। तो ये दिखने में पतला है पर इसका वजन भी बहुत है। कोई मिस्टेक तो बोल रहे हो, वेलकम, स्वागत है इधर आपका लिफ्ट में। व्हाटएवर सिलेंडर नहीं है इधर, देखो बेटर कोई था ही नहीं होता, क्या पर किलो खिलाते हो। आज हम लिफ्ट में जाएंगे, बहुत खुशी हो रही है। स्कूटी में जाएंगे, स्कूटी में, हाँ सॉरी गाइस, सॉरी गलती हो गई, और मैंने समझा लिफ्ट में जाएंगे पर स्कूटी में जाना पड़ रहा है, क्योंकि रात को भी मैं कभी कभी बकर चल जाता हूँ। तो और हम बैठ चुके हैं तीनों के तीनों स्कूटी में, और चलते हैं। स्कूटी चला रहे एक झांकी आदमी, और चले यहाँ से डायरेक्ट रूम की ओर। क्या खास चला रहा है, क्योंकि हमें रात को डर लग रहा था, तो हमने इसको बोला कि हमें भी थोड़ा लिफ्ट दे दे थोड़ा आगे तक, क्योंकि आधा किलोमीटर जाना है। तो डर के रात का हथकंडा पर है, थोड़ा डर लगती है। कितना चलाता है कि जैसा कोई चलता है, तुझे पता अभी जाता है, पहले जाता था, अब जाता है क्या, अभी जाता नहीं जाता, डिलीट कर उसको। वीडियो में इसने थोड़ा गलत शब्द बोल दिया, तो कोई बात नहीं, चलता है, कभी कभी हो जाता है, गाइस कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और वीडियो चलेगी, धमाल मचाएगी इस बार। रात का सफ़र में बनाया पहली बार वीडियो, रात की वीडियो बना ली है। अभी देखना तो तब पता चले, अभी मेरे भाई लोग भी आ रहे हैं बैंगलोर, तो उनको भी ब्लॉग में आएंगे वो अभी। और यहाँ से चलते हुए और यहाँ पर देखिए अंकल जी भी मैच देख रहे हैं, और मैच भी इंडिया जीत गया है, बहुत बहुत बधाई है भारत को, क्योंकि आप तो इंडिया नहीं बोल सकते, इंडिया कट कर दिया है साहिल अभी, और आज भारत जीत चुका है, भारत जीत गया है, और हमें बहुत खुशी हो रही है। हम पार्टी करने जा रहे हैं, 5 विकेट ले लिए, उनका भी बहुत बहुत बधाई। केएल राहुल, विराट कोहली, इन्होंने भी भारत को अच्छी शुरुआत दी। और ये देखिए पार्टी, थोड़ा पार्टी हो रही है, एंजॉय हो रही है, तो ऐसा कुछ ना करें जिससे वीडियो में हमें कोई दिक्कत हो। और
बात का वीडियो चलते अभी ये स्कूटी इधर लगाए, रुक जा बे, रोक दे बे। तो हम चलते हैं और यहाँ पे इसने रोक दिया आधे रास्ते में, क्योंकि स्कूटी इसकी नहीं है, ऑनर की है, तो उधर जमा करना पड़ता है रात को। तो अब इधर से हम पैदल चलते हैं। और ये देखिए ये बोल रहा है ऐसी वीडियो ना डाले, तो कैसी वीडियो डालना, कुछ तो बनाना है। चार दिन से ब्लॉग नहीं आया और मेरे गाइस मेरे सब्सक्राइब लोग चाहते हैं कि एक वीडियो आए जल्द से जल्द, थोड़ा उनका मनोरंजन हो जाए। बहुत खतरनाक वीडियो रहती है, बहुत ही खतरनाक वीडियो रहती है। वीडियो देखिए आप, पहाड़ी मौज को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, इतने कमेंट भरे पड़े रहते हैं, कमेंट वीडियो कब आएगी, कब आएगी, मोबाइल फट फट के बाहर गिर रहे होते हैं, गिर रहे हैं, तब से वीडियो बनानी पड़ती है, तब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए। नहीं तो मैं उसे वीडियो बनाने का आजकल थोड़ा इधर काम में बिजी हूँ तो नहीं बना सकता, पर आजकल ज़्यादा देखो रात का सफ़र भी है यहाँ बेंगलोर में, खास करके कहीं पे भी अगर आप रात का सफ़र अकेले करते हो तो अकेले मत जाए, अपने दोस्तों के साथ जाए, नहीं तो यहाँ से फिर बोल देगा, यही लगाता उसमें भी ना, मनीष का सिर्फ यही लगाता जो तू बोला ना, यही जनता को भड़काने का काम कर रहा, डर लगती है क्योंकि अकेला नहीं जाना चाहिए। रात थी देखिए, क्योंकि लाइट लुइट भी बंद हो गई है हमारे फ्लैट की, और अब जा रहे हैं हम। और ये देखिए इसको थोड़ा चक्कर आ रहा है, क्योंकि इस पर डर भी लगता है, क्योंकि इधर भूत भात तो नहीं है पर रात में इसको डर लग रही है, तो ये कर रहा है। अंधा भी है, ये अंधा भी है थोड़ा, देखता कम है, रतुंडी है इसको, रतुंडी रात को रतुंडा होता है ना अंधे जिसमें दिखाई नहीं देता। ये देखो हमारे सामने पीछे कितनी बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग है, हम भी पहुँच चुके हैं और भाई जी के लिए खाना भी ला दिया, और भाई जी कितना खुश होते हैं, उनका आज नया धान लगा रहे हैं। चलो कैमरा फट रन बैक कैमरा निकला जा खट खट करो और देखते हैं। और ये देखिए क्या कर रहे हैं वहाँ पे गाइस, इनके लिए खाना भी आ गया, ये देखिए इनके लिए, ये रूम में आज इनकी छुट्टी थी तो उनके लिए खाना ला दिया हमने। तो अभी देखते हैं अभी ये क्या सोच रहे होंगे, कुछ सोच रहे हैं वो अभी। ये देखिए यहाँ पे इसने जूते भी चेंज कर दिए। गेलू किधर है? अभी गेलू अभी आ रहा है, नीचे से पैदल आ रहा है, रात का सफर है, कोई ट्रक वाला उसको ठोक देगा तो उसको जल्दी बुलाओ, ऊपर बुलाओ उसको। भाई जी अभी फ़ोन में बिजी हैं तो भाई जी शायद अभी बात नहीं करना चाहते हैं, हमारा ऑर्डर आया था भाई जी। और ये देखते हैं, और अंदर वाली सो गए, शायद सो गए सब के सब, लेटे हुए हैं अभी इधर। और तो कल सुबह बनाता हूँ, आधा ब्लॉग बन गया, आधा पूरा कल सुबह बन गया और भारत भी जीत गया। तो हाय गाइस, अभी भाई लोगों को कॉल करना है कहाँ पहुँचे हैं, कल सुबह वो पहुँच जाएंगे यहाँ, क्योंकि वो भी उत्तराखंड पहाड़ों से आ रहे हैं, तो मेरे थोड़ा उनसे अपने पहाड़ों के बारे में पूछूंगा। तो अभी देखेंगे वीडियो में कौन भाई आ रहे हैं, अब वीडियो में ज़रूर देखना। और अभी मैं उनको कॉल करता हूँ कहाँ तक पहुँचे हैं, अभी वो कहाँ पे है। और अभी मैं जा रहा हूँ भात पहाड़ी नज़ारा देखने के लिए, बहुत ही अच्छा है नज़ारा है, तो पहले जरूर भात घूम के आ जाते हैं। यहाँ कुछ भी पहाड़ नहीं है पर देखने में जो मज़ा तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप यक पहाड़ की याद तो जरूर होंगी, क्योंकि यक पहाड़ अच्छी है तो पहाड़ की याद होंगी, खुद लगती अपने पहाड़ की अपनी भाषा की, पर यक कोई गढ़वाली बोलना कहीं तो यक मेरा दुई दगड़िया, तो ये गढ़वाली बोल रहा था हम आपस में, थोड़ा गढ़वाई बोलिया हमारा लुक होते हैं, मैं हमेशा अपनी गढ़वाई भाषा को प्रचार करना चाहता हूँ, अपनी भाषा में बात करना चाहता हूँ, अपनी भाषा को महत्व देना चाहता हूँ, पहाड़ी भाषा है कि लोग छाण पहाड़ में बहुत कुछ है, हिंदू मौसम खान पान रहन सहन बहुत अच्छा छी, लोग बीमार भी कम होंदा क्योंकि वहाँ शुद्ध हवा छी, शुद्ध पानी छी, भले बड़ा बड़ा हॉस्पिटल पर यानी कोई दिक्कत नहीं पहाड़ों में, जो हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती, पर यक तो बहुत दिक्कत है, हर चीज़ की दिक्कत होती है बाहर, और पहाड़ों में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सादा जीवन है, मस्त जीवन है, खुशी खुश है सब लोग, इधर ऐसा नहीं, सब लगे हैं अपने काम से, मतलब कोई किसी से मतलब नहीं है पहाड़ों में, इधर शहरों में सॉरी
मैंने पहाड़ बोल दिया था। और पहाड़ों में लोग एकजुट रहते हैं, शहरों में ऐसा बहुत कम दिखने को मिलता है। फिर भी हम अपना, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पहाड़ी मौज में आप लोगों का सुबह से एक नई वीडियो सुबह की है, क्योंकि कल रात ज़्यादा रात हो गई तो मैंने वीडियो बनाना थोड़ा स्लो कर दिया था, क्योंकि रात सो गया था मैं, तो वीडियो पूरी वीडियो नहीं बनाई मैंने। अब मैं वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ फिर से। और पहाड़ी मौज में आप लोगों का धमाकेदार स्वागत सुबह कि 10 बजे से फिर से जो वीडियो आधा अधूरी रह गई थी उसे पूरा कर रहा हूँ मैं अब। और चलता हूँ मैं अब अपने होटल की ओर, जहाँ से मैंने कल शुरुआत की थी वहाँ मैं फिर से शुरुआत करने जा रहा हूँ। और अंकल आप देख सकते, अंकल आगे जा रहे हैं तो सुबह सुबह सब्जी लेके, मेथी की सब्जी लाई उन्होंने। यहाँ पर ट्रक को थोड़ा बैंड कटाने में थोड़ा देर हो रही, बहुत बड़ा ट्रक है देख सकते हैं। पहाड़ों में तो बहुत दिक्कत होती है ट्रक चलाने में, शहरों में उतना नहीं। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, नज़र तक नहीं पहुंच पाती है, इतनी ऊपर रहती है बिल्डिंग है। लोगों के पास अता दिन पैसा है शहरों में, पहाड़ों में ऐसा नहीं है। पर और 7th फ्लोर पे पहुंच चुके हैं हम। और सीधा ये देखिए क्या अच्छा इधर है, खेलने के लिए सब चीज़ है। और ये सीढ़ियाँ भी, अब मैं जाऊंगा अपना किचन पे, यानी कि 8th फ्लोर में मेरा किचन है। कांच का कितना सुंदर बना है, क्या अंदर डिज़ाइन है इसको, सुंदर सा डिज़ाइन कांच का। यहाँ पर अंदर वो खेला जा रहा है, आप देख सकते हैं टेनिस, बहुत ही अच्छा है यार।
मुझे कुछ नहीं, या जब भी मैं यहाँ आता आप लोगों को अपनी ब्लॉग में ये फ़ोटो ज़रूर दिखा दो, क्योंकि ये जो पेंटिंग है मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज का मौसम भी आप देख सकते हैं, बहुत सुहाना मौसम है आज का, हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं, बारिश की संभावना भी है, और मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है आज का। आप देख सकते हैं कितना सुंदर, और यहाँ पर जो धूप के कारण ये पौधे भी सूख रहे हैं, क्योंकि आजकल बारिश कम हो रही थी, तो आज बारिश का मौसम भी लग रहा है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।